हम तो उसका मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। ये उसका घर है, उसका पूरा हक है इस घर पर। वो तो बस शीरी हुई। क्या तो बस शीरी? शीरी कौन होती है मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली? शीरी वरीशा की फुप्पो है और शीरू को पूरा हक है कि वो वरीशा के बारे में अच्छा सोचे और भला सोचे। भला सोचने वाली होती तो क्या ही बात थी बीजान। खुलकर बात करो, आखिर तुम्हें इतराज क्या है और क्यों है? बीजान, सच बात तो ये है कि भाभी और शीरी चाहते ही नहीं कि मैं और मेरी बेटी इस घर में रहें। वो तो किस्मत हमें यहां ले आई और हमें यहां जलील होना पड़ रहा है। मेरी बेटी के लिए हर ऐरे गैरे का रिश्ता आ रहा है और उसे सजा संवार कर उनके सामने पेश किया जा रहा है। मैं तुम सिर्फ बात का बतंगड़ बना रही हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। वरीशा इस घर की बेटी है, शीरी को अच्छा रिश्ता नजर आया तो उसने सबसे पहले वरीशा का ही नाम लिया। अब ईजान आप खुद बताएं, इसमें क्या बुराई है जो महक इतना परेशान हो रही है? देखो महक, जिस घर में बेटियां होती हैं वहां इस तरह का माहौल बनाया जाता है। और फिर मेहरुन्निसा और शीरी ने कौन सा रुख्सत कर दिया वरीशा? वो दोनों तो उसका भला चाहती हैं। जितना भला ये चाह रहे हैं वो सब तो नजर ही आ रहा है बीजा। अपने बच्चों को तो सबने पढ़ा लिया, लिखा लिया और बड़े बड़े कारोबार करवा लिए। और जहां मेरी बेटी की बात आई, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उसने और वो सबकी आंखों में खटकने लग गई। अगर रजा जिंदा होते ना, किसी की मजाल नहीं थी कि हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखता। ये तुम बात को कहां से कहां ले गई? इस घर में सब वरीशा का भला चाहते हैं और सबको वो अजीज है। सब कहने की बातें हैं बीजान, अगर भाभी को वरीशा इतनी ही अजीज है तो गैरों के सामने पेश करने की क्या जरूरत है? वरीशा का रिश्ता अपने बेटे के साथ भी तो कर सकती है। वहाज पे पहला हक वरीशा का ही तो बनता है। क्यों बीजान, सही कहा ना मैंने? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे होश दिलाने लगी? सच ही तो कहा है, मेरी बेटी में क्या कमी है? हसीन है, समझदार है, खानदानी है और सबसे बढ़कर आपका खून है। देखो महक, वरीशा में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि वहाज और शिफा की मंगनी हो चुकी है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी तो करते हैं। मैं अपने बेटे के लिए शिफा के अलावा किसी लड़की का नहीं सोच सकती। मैं जैसे शिफा मुझे प्यारी है वैसे ही वरीशा भी मुझे उतनी ही अजीज है। और देखो अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हुई है, ना तो रिश्ता आया है और ना ही कोई शादी का सिलसिला शुरू हुआ है। आखिर तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रही हो? देख लिया आप सबकी मोहब्बत के ठकोसले, मुझे भी आपके सर फिरे बेटे से अपनी लाडली बेटी की शादी नहीं करनी। मैं तो आप सबको आईना दिखा रही थी। मोहब्बत की बातें करना और मोहब्बत करना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन सच में भाभी, यतीम के सर पर हाथ रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बीजान, आपको क्या लगता है महक ये बात इतनी आसानी से समझ जाएगी? कह रही थी ना मैं आपको, ये यूं ही नहीं आई इस घर में। ऐसी बात नहीं है मेहरुन्निसा, महक इस वक्त वरीशा की वजह से परेशान है और उसके मिजाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। इस वक्त हमें सब कुछ भुला के वरीशा की जिंदगी के बारे में और उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। रही बात महक की, तो मैं बात करूंगी उससे।
समझाऊंगी उसे। तुम परेशान नहीं हो जी? ये कोई नया ही खेल खेलने आई? यार आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग कब खत्म होगी? मैं बोर हो गई हूँ फोन पे बात कर करके। अरे यार क्या हो गया, अब तो बस मैं आने वाला हूँ, बस थोड़ा सा सबर कर लो। ये थोड़ा थोड़ा सबर कर करके ना काफी सबर हो गया बहाज। तुम देखना एक एक दिन का बदला लूंगी मैं तुमसे। जनाब आप जो बदला लेना चाहती है ना ले लीजिए, मैं हाजिर हूँ आपके सामने, जो सजा देंगी मुझे कबूल होगी। सब जानते हो ना वैसे तुम, तुम्हारे सामने आते ही सारी सजा वजा भूल जाऊंगी, इसीलिए गर्दन झुका दिए तुम। अच्छा बस बहुत हो गया ना, अब वापस आ जाओ। और अरे अब देखो ये तो नाइंसाफी है, एक तो इंसान तुम्हारी खुशी के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार है और ऊपर से तुम उसी का मजाक उड़ा रही हो, बहुत गलत बात। अच्छा अच्छा बस बस बस, ये डायलॉग बाजी मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ आ रही है? खूब जानती हूँ मैं तुम्हें, और वैसे भी तुम्हारी जो शायराना बातें हैं ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। अब बस चुपचाप तुम वापस आ जाओ। और अच्छा और ये कि क्या, और ये कि तुम आके शादी की बात करो ना, और क्या। अरे वाह क्या बात है भाई, किसी को बहुत जल्दी है दुल्हन बनने की, है ना? अच्छा सिर्फ मैं बेचैन हूँ, ठीक है। तो फिर बच्चू वो जो तुम्हारी फेवरेट कजन ने डेट रखी ना शादी की, उसी दिन बारात लेके आना तुम, समझे? बाय। अरे क्या हो गया, बाय क्यों कर रही हो? तो क्या तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बेचैन तो मैं हूँ ना, मुझे जल्दी शादी की, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है शादी 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, तुम्हें तो बस अपनी मीटिंग्स और अपनी कॉन्फ्रेंस अपनी ट्रेनिंग की पड़ी हुई है, राइट? अरे मैंने ऐसा कब कहा है? अभी कहा और कब कहा? मेरा ख्याल है तुम्हारा लड़ाई करने का मूड हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ कर रही हो, है ना? जानबूझकर तड़पा रही हो मुझे, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मनाने के लिए अभी आ तो सकता नहीं, सामने होता तो मना लेता। ऐसी कोई बात नहीं है वहाज, I'm just missing you, that's it. I miss you more. अच्छा listen, मुझे बहुत देर हो रही है, बहुत important meeting है, अगर इजाजत हो तो मैं तैयार होके ऑफिस चला जाऊं। ओके बाय। थैंक यू बाय।